और पाखंडवाद काम नहीं आते इनको रोकने के लिए। कर्मकांड लोग बहुत करते हैं। हमने जहां जन्म लिया राजस्थान का वो गांव, वहां कोई ऐसा धर्म नहीं था जो वहां नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म सारी जात वहां थी। हम देखा करते थे सभी में पाखंडवाद था, भाई बृहस्पतिवार वीरवार को सिर नहीं नहाना, सामने से बिल्ली रास्ता काट की काम नहीं जाना। अरे रास्ता आपने काटा है, बिल्ली ने नहीं, क्योंकि बिल्लियों के तो रास्ते होते ही नहीं। वो सोचती होगी ये दो टांगों वाला कहां से आ गया, मुझे भागना पड़ा, क्योंकि वो भागती आपको देख के और आप उसको देख के डरते रहते हैं, आंख फड़क गई। वैसे बहनें स्पेशलिस्ट होती हैं इस मामले में, ये बाएं वाली अच्छी होती है या दाएं वाली, आदमी के भी अलग अलग होता है, औरतों की शायद बाएं होती है और भाइयों की शायद दाएं वाली अच्छी होती है, ऐसे सुनने में आता है। और आपको बता दें अगर ये फड़के ना तो आपको नींद नहीं आएगी। मसल पूरी बॉडी के किसी डॉक्टर से पूछ लो, फड़कते ही रहते हैं और फड़कने में ही अच्छा है। जरा सोचिए अगर दिल ने फड़कना बंद कर दिया तो क्या होगा, हो गया काम। और आंख ने झपकना बंद कर दिया तो क्या होगा। तो माता बहनों हम आपको गारंटी देते हैं ये पाखंड है, ऐसे में कुछ नहीं होता। फलां दिन काम नहीं करना, अब आपको सुनाते हैं, हमने फिल्म में भी शायद आपने सुन लिया होगा, पर नहीं जिन्होंने फिल्म देखी क्या होता है। हम पढ़ा करते थे, अब सभी धर्म जात मजहब इकट्ठे थे, हम बैठ जाते बच्चे, एक कहता यार हमारे मंगल को बुरा मानते हैं। क्या कहते हैं भाई, मंगल लगावे संगल, सांकल लगा लेता है, हिलने नहीं देता। दूसरा कहता ना हमारे तो मंगल को अच्छा मानते हैं। क्या कहते, मंगल में काम मंगल में होता है। हमने कहा जी ठीक। एक कहता हमारे बुद्ध को सही कहते हैं, क्या बुद्ध काम शुद्ध। दूसरा कहता जी हमारे गड़बड़ है, क्यों बुद्ध लगावे युद्ध, वहां बैठे बैठे सातों दिन का क्रियाकर्म हो गया, एक सही बताए दूसरा गलत, एक सही। हमने कहा अगर आपकी सुने चद्दर लेके सो जाते काम करना ही नहीं चाहिए, दिन तो सातों ही खराब हो गए। तो धर्मों में साफ लिखा है भगवान ने दिन और रात बनाए हैं, किसी दिन का नाम नहीं रखा, कोई तारीख नहीं बताई। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप जाने सोई। ईश्वर ने कोई दिन कोई तारीख नहीं बनाई, दिन और रात बनाई, और वो हमारे फायदे के लिए। तो इन पाखंडों में मत पड़ो। भूत प्रेत यहां भी लोग बहुत डरते होंगे, आप हमें बताओ किस घर में भूत रहता है। आपकी ये शमशान भूमि है, यहां के कई भाई होंगे जिनको पता होगा, जब ये कंटीन आश्रम बना करता था हमारे ये सेवादार हरियाणा पंजाब राजस्थान से आते थे, शमशान भूमि में सोते थे, वहां मकान सा बना हुआ ना एक यही सामने, और वहां रोज रात को वहां दूध पीना खाना खाना, और यहां के नगरी के आसपास के लोग बाबा के भूत देखो, वो आदमी नहीं कहते थे सेवादारों को बाबा के भूत। हमने कहा क्यों, कहते ये डरते डरते ही नहीं। हमने कहा भूत होते ही नहीं तो डरे किससे, क्योंकि साफ साफ वेदों में लिखा है, पवित्र वेदों में धर्मों में, भूत इस धरती पे नहीं होते, वो रूहानी मंडलों पे होते हैं। और भूत वो होता है, प्रेत वो होता है, ये एक जोनी है, जो आदमी बेहद बुरे काम करता है उनको भूत प्रेत की जोनी में डालते हैं। लाखों किलोमीटर तक अंधकार होता है, तलवारें टाइप ऐसे तीखे रूहें कट कट के गिरती रहती हैं, बनती रहती हैं, और वहीं पे वो कष्ट सहती रहती हैं, ये है भूत की जोनी। लेकिन लोग कहते मेरे में भूत आ गया, बहने के तो ज्यादा ही आता है, हिलने लग जाती है और तरह तरह की आवाजें निकालती हैं, अभी भी कोई ना कोई शुरू ना हो जाना भाई, क्योंकि ऐसा बोलने से हो जाती है, कहते नहीं मेरे में है, नहीं होता नहीं होता। जरा सोचिए ध्यान से सुनिए, अगर भूत ने किसी के अंदर आना ही है तो यार उन अमीरों के अंदर आए जो सुबह का खाना दिल्ली में खाते हैं और रात का खाना जाके लंदन में खाते हैं, भूतों को मजा आ जाए, जहाज पे सैर करते रहे दिन रात, उनके अंदर क्यों नहीं आते। असलियत में गरीबी और अज्ञानता ही भूत हैं, और कोई भूत भूत नहीं होते। रही सही कसर टेलीविजन ने पूरी कर दी, ये छोटे छोटे बच्चे सीरियल देखते हैं उसमें से एक हाथ आ रहा है, आ रहा है,
वो हाथ ऐसा आया बच्चे का पेशाब चारपाई पे, हो गया काम, है ना कमाल। वो जाएगा पेशाब करने, सबको देखता हुआ चारपाई के नीचे भी चेक करते, भूत तो नहीं बैठा। इतने दिलेर बना रहे हैं टेलीविजन हमारे बच्चों को। सोचिए कहां जा रहा है हमारी संस्कृति, कहां जा रही है हमारी सभ्यता, क्यों नहीं कोई रोक रहा उन्हें। इतने पाखंड, इतने ढोंग, छोटे छोटे सीरियल बनाए जाते हैं, उनमें भी अच्छी परी बुरी परी, कमाल है। हम एक दिन बच्चों में बैठे, छोटे छोटे बच्चों में कहते पापा हमारे साथ देखो, खासकर शाही बेटियां या दूसरी बेटियां भी हमारी जो अभी यहां एक आए, तो पापा देखो, देखा वो ये अच्छी परी है, ये काली परी है, ये पीली परी है। बच्चे वैसे घी बद जाती है देख देख के, उनको दांत लगा रखे हैं और ये। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ऐसी चीज देखा मत करो, क्योंकि जो दिमाग है उस पर असर होता है, और आप कभी दिलेर नहीं बन सकते फिर।